जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है एडीजे न्यूज में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम एक सीरीज कर रहे हैं बातें, जिसमें हम नए एंटरप्रेन्योर्स के साथ और कुछ पुराने दिग्गज एंटरप्रेन्योर्स के साथ उनकी स्टोरी शेयर कर रहे हैं। आज हमारे साथ इवेंट लूप के डायरेक्टर और को फाउंडर मिस्टर प्रसून माथुर हैं। अभी से एक दिन पहले 26 अप्रैल को हमने इवेंट लूप की फाउंडर और ओनर मिस नेहा माथुर जी का इंटरव्यू किया था, जो कि आप सभी ने देखा। आज हम उनके को फाउंडर और उनके भाई प्रसून जी के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं और उनकी जर्नी के बारे में भी हम जानेंगे और वो क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं इसको भी हम लोग बताएंगे। और इस इवेंट में एक चीज बहुत नई होने वाली है कि कंपनी का नाम इस नाम से क्यों रखा गया, ये आज हम प्रसून जी इस बात को हम लोगों को बताने वाले। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो ईच एंड एवरीथिंग और आई होप आप सब भी एक्साइटेड होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एडीजे न्यूज में और मुझे बहुत खुशी थैंक है यू कि आदित्य आप जी। लोगों ने इतनी छोटी उम्र में अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेस है आपको। सो थैंक अपने यू। बारे में सर कुछ बताएं ताकि हमारी ऑडियंस जान सके, प्लीज। ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा इवेंट लुक के नाम के बारे में बताना चाहूंगा। जैसा कि आदित्य आपने पूछा था कि इवेंट लुक का नाम क्यों रखा गया और क्या मतलब है इस नाम का। तो बेसिकली इवेंट्स में क्या होता है, कभी भी हम किसी को इवेंट भेजते हैं तो आपने नाम सुना होगा हिंदी में न्योता, न्योता इनविटेशन किसी को भेजा जाता है, तो वो एक एनवलप में रख के भेजा जाता है कि एनवलप जब खुले तो खुशियां आती हैं, ये माना जाता है हम लोगों के यहाँ। तो बेसिकली ये नाम भी वहीं से आया है, इवेंट लोग। बेसिकली एनवलप को जब हम खोलते हैं तो उसमें से जो भी कुछ मतलब एक कार्ड ऑफ काइंड ऑफ निकलता है वो एक मैजिक फैलाता है। तो हमारी टैगलाइन है अनफोल्ड द मैजिक, बेसिकली अनफोल्ड द मैजिक। तो अभी मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा होगा कि इवेंट लोग का नाम कहाँ से और क्यों आया है, और थोड़ा सा डिफरेंट नाम है। और ये इवेंट फर्स्ट नेम हम लोग को रखना था बिकॉज जनरली जब भी कोई पढ़ता है या कुछ उसको समझ आ जाता है कि हाँ इवेंट रिलेटेड काम है इनका। और बात हुई मेरे बारे में, तो मैंने अपनी स्कूलिंग खत्म करी है 2015 में। आफ्टर दैट मैंने मास कॉम एंड जर्नलिज्म खत्म किया है बैचलर्स में 2018 में। उसके बाद मैं मुंबई चला गया था, स्टार प्लस वगैरह में मैंने जॉब करी। उसके बाद मैंने काफी मतलब पीआर वगैरह जितनी इंटर्नशिप मैं कर पाया उतनी मैंने करी, रेडियोज, पीआर एजेंसीज एंड एड्स एजेंसी, जितना मुझसे हो पाया मैंने करा। आफ्टर डैट मैं लखनऊ आया क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत काफी खराब रहती थी, तो इसलिए मैं लखनऊ आया वापस। और मैंने यहाँ पे गूगल का सर्टिफिकेशन लिया 360 डिग्री फोटोग्राफी में, और मैंने वो करा एक कंपनी में रह के। फिर मैं एक न्यूज चैनल में जॉब करी एंड देन सब छोड़ के, क्योंकि मेरा बचपन से एक सपना था कि मुझे बिजनेस करना है। किस टाइप का बिजनेस, कैसा बिजनेस, वो मुझे नहीं पता था, बस बिजनेस करना है। तो बहन ने अपना स्टार्ट किया था ये इवेंट लोग, तो मैंने कहा चलो मैं भी इस जगह से रिलेटेड तो हुई क्योंकि मेरे मास कॉम में प्रॉपर एक सब्जेक्ट इवेंट्स का है, और मैंने स्कूल टाइम से प्रॉपर एक इवेंट कोर टीम में रहा हूँ मैं, तो मैंने वहाँ पे भी काफी इवेंट्स करे हैं। तो इससे रिलेटेड हुआ कि बिजनेस भी वही करते हैं और काम जो ऑलरेडी किया हुआ है तो उसी लाइन पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दैट्स रियली ऑसम सर, ये काफ़ी अच्छी बात है। आप काफ़ी स्टार्टिंग से आप भी काफ़ी क्रिएटिव रहे हैं। तो अभी मेरा एक जी सवाल है कि जब आपने इवेंट लूप ज्वाइन किया, ठीक है, तब क्या आपके सामने चैलेंजेस आए? एंड अभी जैसे कि आप पहले थे, आप मुंबई गए, यहाँ से आपने स्टार प्लस नई कई कई जगहों पे इंटर्नशिप की, तो उस समय आपके क्या क्या चैलेंजेस है ये भी हम जानना चाहेंगे। सो प्लीज़ एक्सप्लेन करें। ओके तो मैं पहले मुंबई से स्टार्ट करता हूँ। बेसिकली मुंबई में मैं गया तो वहां पे जो लोग बोलते हैं ना स्ट्रगल, कि स्ट्रगल क्या होता है, वहां पे रहना खाना स्ट्रगल नहीं है, वहां पे स्ट्रगल है ट्रेवल करना, जो मेन स्ट्रगल मुझे लगा। हालांकि आप उसको भी कर सकते हो, ट्रेवल आप कर सकते हो, आप लोकल से ट्रेवल कर सकते हो, आप ऑटो से कर सकते हो, बट मेरे स्टूडियोज वहां होते थे जहाँ लोकल नहीं जाती थी, जहाँ मेट्रो नहीं है, मुझे वहां ट्रेवल करना पड़ता था। और मेरे आप मानो तो मेरे हजार हजार रुपए एक एक दिन में लग जाते थे ऑटो में वहां पहुंचने में, क्योंकि सबको पता है मुंबई का मीटर रुकता नहीं है, वो चलता रहता है। तो ये सब
फेस आया, प्लस मेरे भैया वहाँ पे 10 साल से हैं, मेरे कजन ब्रदर थे, अभी तो उनकी डेथ हो गई, वो वहाँ पे 10 साल से थे, तो उन्होंने मुझे काफी लोगों से मिलाया, काफी लोगों से मेरी बहुत हेल्प करी बेसिकली उन्होंने मुंबई में रहने के लिए। जब मैंने फ्लैट ले लिया था, बट मैं फ्लैट में नहीं, मैं अपनी मौसी भाई भैया के यहाँ रहता था, क्योंकि फ्लैट में मुझे अच्छा नहीं लगता था उस टाइम, कि मैं नया नया गया हूँ फैमिली को छोड़ के और अलग रह रहा हूँ। तो मैं भैया के साथ रहता था, तो उनकी कंपनी में बैठता था काफी टाइम, उनके क्लाइंट से मिलता था, उनकी VFX की कंपनी थी, तो लाइन अपनी एक ही थी। तो ऐसे कर करके मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया, लोगों से मिला, कॉफी पे मिला लोगों से। उनके बाद मेरा, जब मैं PR में था, PR कंपनी में एक दिन इंटर्नशिप मतलब करी थी मैंने, तो जाते ही मुझे जो प्रोजेक्ट मिला था, इट्स अ बीइंग ह्यूमन साइकिल लॉन्च, सलमान खान, मैं जाते ही सलमान खान से मिल लिया था मुंबई में। लोगों का सपना होता है, बट मैं मिल के आया था, तो लोगों को ये लगा कि भैया पता नहीं तुम क्या कर रहे हो। अच्छा, हम जब कॉलेज से कहीं इंटर्नशिप करने जाते हो, आप कहीं बड़ी जगह काम कर रहे हो, तो हर इंसान को ये लगता है अरे तुम तो भाई बहुत बड़ा काम कर रहे हो। तो ये सब मेरे लाइफ में रहा है। उसके बाद बस यही चला है मुंबई में, चैलेंजेस और कुछ तो नहीं। और ये इंडस्ट्री में मुझे चैलेंजेस जो मिल रहे हैं, वो एज फैक्टर, जैसे नेहा ने आप बताया था कि एज फैक्टर तो बहुत बड़ा एक है फैक्टर यहाँ पर, कि भैया छोटे लोगों को काम नहीं देना है। जितने बूढ़े बूढ़े लोग बैठे हैं जिनके पास अब कोई आइडियाज नहीं है, वही रो रो के आइडियाज वो ला रहे हैं। और इनफैक्ट अगर आप मानो तो वो लोग उन हमारी एज के लोगों को हायर करके हमसे आइडियाज लेके अपने क्लाइंट्स को पिच कर रहे हैं। इनडायरेक्ट आइडिया तो हमारी जनरेशन से आ रहा है, एंड दे आर पिचिंग देयर। तो ठीक है, जो भी है, ये एज फैक्टर तो जाते जाते एज गैप जाएगा आने वाले टाइम पे। बाकी जो लोगों को लगता है कि ग्लैमर इंडस्ट्री बहुत है, ऐसा कुछ नहीं है। ग्लैमर केवल दिखता है जिस दिन इवेंट होता है, इवेंट से पहले कुछ ग्लैमर नहीं है। आपको 10 बार क्लाइंट के साथ बैठना होता है, 10 बार उसकी बातें सुननी है, 10 बार उसके चेंजेस लेने हैं, उसके बाद भी वो सेटिस्फाई नहीं होता है इवेंट वाले दिन, उसको तब भी लास्ट मोमेंट चेंजेस चाहिए होते हैं। हाँ, जब इवेंट हो जाता है और इवेंट अच्छे से हो जाता है, तो जो सेटिस्फेक्शन मिलता है क्लाइंट को भी और आपको भी, वो बेस्ट होता है। That's true. I totally agree with this. इसको अभी आपकी बात सुन के मेरे मतलब कहना नहीं चाहिए, एक मूवी याद आई, आप सबने देखी होगी, बैंड मादर बारात। उसमें आपको याद जी होगा जब वो सैनिक फार्म में जाते हैं, तो वहां पे जिसके यहाँ वो लोग जॉब कर रहे होते, सेम होता है उसका, वो सेम पिच सबको चिपकाती है, सेम चीजें करती है और आइडियाज नए लोगों से लेती है। उन लोगों ने आगे जी पिच किया था जब वो साइकिल्स वालों के आ गए थे, तो सेम मुझे भी ये बात काफी याद आई अभी, तो मैं रिलेट कर रहा हूँ कि आई फील ऐसे सिर्फ मूवीज में नहीं, हकीकत में भी होता है कि लोगों को हम न्यू जनरेशन को मौका देना चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। जो पुराने शार्क्स बैठे हैं ना, वो तो शार्क बन चुके हैं, दे हैव आइडियाज, नो डाउट, उन्होंने कुछ अच्छा किया था तभी आज वो है। बट अगर कुछ न्यू क्रिएटिव, अब आज से 10 साल पहले जिसने बिजनेस बनाया, उसे टेक का इतना नॉलेज नहीं होगा जितना आज इस जनरेशन को है, वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे लगता है कि सभी को मौका मिलना चाहिए। आज से 5 साल बाद हमारे बाद की जो जनरेशन आने वाली है, या 10 साल बाद, उसको हमसे ज्यादा क्रिएटिविटी होगी, नो डाउट, तो हमें उन्हें मौका देना चाहिए। तो ये काफी अच्छी चीज है। अभी प्रशुन जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आपने बताया आप एक अच्छे फोटोग्राफर हो, ठीक, तो जब आप फोटोग्राफी के फील्ड में रहे, तो वहां पे भी आपको काफी चैलेंजेस आए होंगे, क्योंकि उसमें भी बहुत सारे दिग्गज बैठे हुए हैं। उस फील्ड में आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें सर। एक्चुअली फोटोग्राफी मैं अपने पैशन के लिए करता था, उसको मुझे कभी भी मतलब पैशन एज एन हॉबी के लिए मैं करता था। मैं मुझे उसको कभी भी मतलब एक काइंड ऑफ बिजनेस में नहीं लेकर आना था अपना, और मैं हर जॉनर की फोटोग्राफी करता था। उसके बाद ये हुआ कि मैं जब कॉलेज में था, तो कॉलेज में मेरे क्लास के बच्चे वेडिंग फोटोग्राफी करने जाते थे। मैंने कहा ये क्या है, मतलब मुझे सीखना है नया कुछ है वेडिंग फोटोग्राफी, मतलब लोग करते हैं, कुछ चैलेंजेस तो होंगे इसमें। तो मुझे चैलेंजेस की हमेशा से मतलब ये था कि हाँ चैलेंजेस हम जो भी मिलता है वो करना है। तो मैं स्टार्ट किया, मैंने एक दो लोगों के साथ जुड़ के कि वेडिंग फोटोग्राफी करना, एंड मैंने कॉलेज खत्म होते होते अपने
अराउंड नहीं तो 25 to 30 वेडिंग्स को कवर कर लिया एज अ फ्रीलांसर। दैट्स ठीक क्रेजी। है, तो चैलेंजेस बहुत होते थे उसमें, और उससे जो मुझे आइडिया मिला है वो मुझे अभी भी काम आ रहा है, क्योंकि मैंने वहां से कुछ कॉन्टेक्ट्स निकाले लोगों के, जैसे वेंडर्स हो गए, उसके बाद आपका डेकोरेटर्स अलग हैं, वहाँ केटरर्स अलग हैं, वो सब आते थे, सबसे बात करता था, क्योंकि मेरी बहन उस चीज में थी इवेंट्स में, तो मेरे को उसके लिए कॉन्टेक्ट अब निकालने थे और करना था, और आगे मुझे था कि हाँ आगे कुछ ना कुछ तो करना है, कभी ना कभी तो इनकी नीड पटनी है। तो इन सब चीजों का मेरे बहुत हेल्प पड़ी है, मिली है वेडिंग फोटोग्राफी में। आज भी मैं फ्रीलांस करता हूँ, अगर मुझे कोई बोलता है कि वेडिंग करनी है तो मैं आज भी जाता हूँ, आज भी करता हूँ। और बात रही चैलेंजेस की, तो चैलेंजेस हर जगह आते हैं, वेडिंग में भी बहुत आए, रात रात भर जग के काम करना होता है, कभी फोटो नहीं अच्छी आई, कभी जगह नहीं मिल रही है, कभी वेन्यू बहुत छोटा है, कभी वेन्यू में लाइट बहुत खराब है, तो ये सब चीजें भी मुझे पता चली। वेडिंग फोटोग्राफर्स इवेंट प्लानर्स को कितना गलत बोलते हैं, गलत एज इन मतलब उनको बोलते हैं कि लाइटें के लोग कैसे लगा देते हैं, ये सब मुझे पता है, और अब वही सारी चीजें हम लोग अपने में सुधार करके देते हैं, ताकि कोई भी फोटोग्राफर किसी वेडिंग प्लानर या किसी इवेंट प्लानर को कुछ बोले नहीं। That's really true. I can address that. जब कुछ नहीं होता है तो हम लोग दूसरों को जरूर सुना देते हैं कि यार इसकी वजह से ये चीज नहीं हो पाई. आई टोटली एग्री विद राइट दैट. अभी मुझे ये जानना है, जैसे आप इस प्रोफेशन में हो इवेंट्स में एंड यू हैव स्टार्टेड द जर्नी इन द लॉकडाउन पीरियड, सो अभी आफ्टर लॉकडाउन आपका क्या रह रहा है और आपके कौन से अपकमिंग इवेंट्स आने वाले हैं? इफ समबडी जी, वांट्स टू बी द पार्ट ऑफ योर इवेंट, सो हाउ दे कैन कनेक्ट विद यू, कैन यू प्लीज टेल अस, सो हमारा ऑडियंस जानना चाहेगा इस बारे में भी. ओके। बेसिकली अभी कोविड के बाद से अभी चीजें फिर से, देखिए होता क्या है ना, जब भी कोविड आता है तो हमें चीजें बंद करनी पड़ जाती हैं, उसके बाद फिर से एक नई स्टार्ट करके चीजें लानी पड़ती हैं। तो अभी हम लोग कोलैबोरेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि हमारे इवेंट्स इंडस्ट्री में, क्रिएटिव लाइन में एक वर्ड है कोलैबोरेशन। जितना ज्यादा टाई अप और कोलैबोरेशन आपके होंगे, उतना बड़ा आपका नेटवर्क होगा, और जितना बड़ा नेटवर्क होगा उतना बड़ा आगे चल के बिजनेस होगा। तो अभी की चीज में यही है कि हम लोग कोलैबोरेशन पे बहुत ध्यान दे रहे हैं और अपने खुद के इवेंट्स प्लान करने पे बहुत ध्यान दे रहे हैं। जैसे कि अभी हमारे एक हमारा इवेंट है बेबाक के, उसके 3 सीजन हम लोग करा चुके हैं, इट्स एन ओपन माइक इवेंट जिसमें आप पोएट्री, सिंगिंग, स्टैंड अप कुछ भी कर सकते हो। और दूसरी चीज है, ये बेबाक हमारा अभी आने वाला है नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ, और नेक्स्ट मंथ आएगा वो डिस्क्लोज हो जाएंगी डेट्स। उसके बाद एक फ्ली बी करके एक इवेंट है हमारा, इट्स अ फ्ली मार्केट, वो आने वाला है। उसके बाद हमारा एक कॉन्सर्ट आएगा। तो ये 2-3-4 इवेंट हमारे लाइनअप हैं अभी के लिए। अगर आप में से कोई भी उसका पार्ट बनना चाहता है तो प्लीज, उसके साथ अगर हमारे साथ कोई भी इंटर्नशिप करना चाहता है तो यू आर वेलकम, क्योंकि वी आर लुकिंग फॉर सम इंटर्न्स जो मतलब हमारी तरह ही क्रिएटिव हो और जिनको काम करना हो, मतलब ये नहीं कि एक काम करना है तो बस वो काम करना है, आपको जो समझ आ रहा है, जितना सीखने के माइंड से हमारे पास आ सकते हो आप आओ। और दूसरी, आदित्य जी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि बेसिकली जो एक फेस करना पड़ रहा है हमें चैलेंज, वो ये है लखनऊ में, यहाँ पे हर होटल, हर इंसान अपना एक वेंडर बैठा के रखा है अंदर, और एक नहीं चार चार पांच पांच लोग पैसा लेके बैठा के रखे हैं अंदर। उनकी वजह से इवेंट प्लानर्स को काफी टाइम काम नहीं मिलता है। ठीक है, तो उसकी वजह क्या है कि अब वेंडर है, वेंडर आपका खुद का सामान है उनके पास, वो 40-40%, 20-20% उनको दे देते हैं, और हम लोग उतना देंगे तो फिर हम खुद क्या कमाएंगे। तो इस वजह से हमारा काम बहुत कट रहा है होटल्स वगैरह से, तो ये कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं हमारे पास। प्लस डेकोरेटर्स अपने आप को इवेंट प्लानर्स बताने लगे हैं, क्योंकि भैया यहाँ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, यहाँ लोग कहते हैं फोटो दिखा दी प्लान कर दिया, ऐसा नहीं है। प्लानिंग में प्रॉपर आपका पूरा दिमाग लगता है, आपकी पूरी टीम की मेहनत लगती है, उसके बाद वेन्यू रेकीज होती हैं, क्लाइंट का क्या टेस्ट है वो पता करना जरूरी है। और ये केवल इन सब चीजों पे नहीं है, हर जगह हो रहा है, ये कॉर्पोरेट इवेंट्स में हो रहा है, ये वेडिंग्स में हो रहा है, ये सोशल में हो रहा है। सोशल इवेंट्स के लिए भी हम लोग काफी टाइम काम करते हैं, जैसे एनजीओज हो गए, उनकी फंड रेजिंग हो गया, तो वहां पे ऐसा कोई इतना ज्यादा चैलेंजेस नहीं आ रहे हैं, बट हाँ लोगों की मेंटेलिटी वही है पूरा कि हम कमा लें आप मत कमाओ। तो हम लोग भी बिजनेस करने ही बैठे हैं,
और अभी छोटे हैं, मतलब छोटे तो नहीं है क्योंकि बिजनेस की कोई उम्र नहीं होती, लोगों ने यहाँ 16 16 साल में बहुत कुछ कर दिया है, तो छोटा तो मैं अपने आप को नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ ये है कि यहाँ पे यूपी में बहुत चैलेंजेस हम लोग को फेस करने पड़ रहे हैं, बट हम डटे हुए हैं यहाँ पर, जा नहीं रहे कहीं। बिल्कुल डटे रहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सक्सेस जरूर मिलेगी, बस थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है और थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली चलने की जरूरत है, क्योंकि जो पुराने रूट्स हैं यहाँ के वो जमे हुए हैं, तो थोड़ा सा आपका जी स्ट्रगलिंग फेस आई एग्रीड ज्यादा होगा, इवन सभी का ज्यादा होता है, ऑल्सो स्टिल स्ट्रगलिंग एक लेवल पर पहुंचने के बाद भी, तो ईच एंड एवरी वन हैव टू स्ट्रगल फॉर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, सो लेट्स कीप होप एंड आई डेफिनेटली बिलीव इन यू एंड योर टीम दैट यू गाइस विल थैंक यू डेफिनेटली रॉक द वर्ल्ड, आप लोग एक थैंक अच्छा यू। माइलस्टोन बनने वाले हो, ये आप लोगों के जो वर्क एथिक्स हैं, जो बोलने का तरीका है उससे पता चल रहा है, सो दैट्स देयर इज नो डाउट इन इट, बस कीप योर स्ट्रेंथ हाई एंड फोकस ऑन योर थैंक यू। विजन, डोंट गो अपार्ट फ्रॉम इट, सो दिस इज द थिंग विच वी वॉन्ट से, एंड काफी अच्छा है कि आप एक अच्छी एज में कर रहे हो, डेफिनेटली यू हैव अ गुड टारगेट एंड डेफिनेटली आप एक अच्छा टाइम फेज में चीजों को कर लोगे। अभी सर मेरा यहाँ पे एक सवाल आपसे और है, जैसे कि अभी आपने बताया ये हम लोग डिफ्रेंशिएट करवा चुके हैं ऑलरेडी मैम से, हम लोगों का डिस्कस हुआ था, बट अभी अपने नई समस्या रखी होटल्स के बारे में कि दे हैव अ वेंडर्स, अभी यहाँ पे जो मेरा भी अपना रिसर्च है वो ये है कि जो वेंडर्स होते हैं वो प्रॉपर कभी कभी वो चीज नहीं दे पाते, तो क्या आपको लगता है कि जो बेसिकली यहाँ पे क्लाइंट्स की अगर बात करें तो क्लाइंट्स को क्या प्रॉब्लम आती है, क्योंकि मैंने देखा है कई बार शादी में भाई 1 2 हजार रुपए नहीं खर्चा होते, लाखों होते हैं, कुछ कुछ शादियों में करोड़ों खर्चा जी होते हैं, इट्स जी डिपेंड उनके साथ। तो मैं बेसिकली आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है वो ये है कि आप कभी भी होटल्स में जाते हो, वो आपको फोटोज भेजते हैं कि ये फोटोज हैं, ऐसा काम कर हम ऐसा आपको देंगे, इसका ये बजट है, बट आप कभी नोटिस करते हो कि जिस दिन वेडिंग होती है उस दिन आपको काम क्या मिलता है? वही फटे कपड़े, वही पुराने क्लोथ। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा हर जगह वही मिलता है, लेकिन मैंने मोस्टली जगह वही देखा है कि जो सामान रखा रहता है उसी को यूज किया जाता है, इसीलिए उसकी कॉस्ट कम आती है। और हम लोग जो अपने यहाँ काम करते हैं, जो हम पूरा प्लान का पैसा लेते हैं, जो हम चीजों का पैसा लेते हैं, वो हर चीज नई के ले लेते हैं, कि कोई भी क्लाइंट हमको बाद में आके ये ना बोल सके कि आपने जो दिखाया वो दिया है। ठीक है, दैट्स ग्रेट, बट यहाँ पे अभी एक सवाल आता है मेरे मन में, और मेरे क्या जो भी सुन रहा है सभी के मन में ये आएगा कि अभी आपने एक वर्ड बोला कि आप नया करते हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक शादी है उसमें आपने एक सामान लिया, ठीक, उसके बाद आपको दूसरा कॉन्ट्रैक्ट मिला, तो आप उसके लिए एक नया सामान लोगे या जो सामान है उसको ही यूज करने वाले हो, ये आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करें जी प्लीज। जी जी देखिए बेसिकली होता क्या है, गंदे होते हैं कपड़े। ठीक है, कपड़े हमारे यहाँ जब भी कुछ नया होता है तो, मतलब कोई नया इवेंट होता है तो उसमें नए कपड़े ही थान के कटवा के आते हैं। फूल वगैरह जो वो खराब हो जाते हैं, जिसपे कोई दाग लगा है, वो हम लोग पिकवा के नया स्टॉक मंगा लेते हैं। और हम लोग क्या, हमारे जितने हमारे साथ वेंडर्स हैं, बेसिकली इवेंट प्लानर का काम क्या होता है, इवेंट प्लानर का ये काम होता है कि वो आपको एक सारे वेंडर से मिला के कुछ बढ़िया अमाउंट का कोई अच्छी चीज दे, ना कि ये कि एक वेंडर को उठाया और सब कुछ दे दिया। तो जो वेंडर हमारे साथ हमारे कंडीशंस पे काम नहीं करता, तो हम उनके साथ काम नहीं करते, यहाँ पे बात ये होती है। गुड, दैट्स रियली ग्रेट, क्योंकि ये एक बहुत अच्छी चीज भी है और ये समझने वाली चीज भी है, क्योंकि मोस्टली लोग वर्ड्स पे खेलते हैं, आई बिलीव इन दैट, और आप इवेंट इंडस्ट्री में हो आप भी जानते हो कि वर्ड्स पे कितना लोग खेलते हैं, यहाँ पे बताएंगे कुछ और होता कुछ है, तो दैट्स द वे, दैट्स आई क्लियर इट कि भाई आपके जो क्लाइंट्स आने वाले हैं फ्यूचर में उनको ये चीज एकदम क्लियर कट हो कि आप कैसे करते हो, सो दैट्स रियली ग्रेट ऑफ यू एंड नाइस, तो अभी आप क्या मैसेज देना चाहते हो सोसाइटी को और लोगों को अपनी तरफ से बेसिकली बताएं सर। ओके, तो मैं बेसिकली सोसाइटी को अपनी तरफ से यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो भी है थोड़ा सा, मतलब चीजों को समझ के उसको इम्प्लीमेंट करें। मतलब अगर आप कोई भी चीज कहीं जा रहे हैं तो उसके बारे में पहले अच्छे से नॉलेज गेन कर लें,
उसके बारे में समझ लें, उन चीजों को अच्छे से देख लें, उसको पर पूरी रिसर्च कर लें, तब अपना कहीं पे पैसा लगाएं, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया जाता है और आप सबका पैसा बहुत मेहनत से ही कमाया हुआ है आप लोगों ने भी, और हम लोग भी वही कर रहे हैं कि हम भी चाह रहे हैं कि लोगों को कुछ अच्छा दे सके। तो एक बार को यही है कि आप कहीं भी जाओ, अपना पैसा कहीं पे भी इन्वेस्ट करो या किसी के ऊपर अपनी मेहनत भी इन्वेस्ट करो, तो पूरा उसके पहले देख लो, उसको समझ लो कि आपका वहां से क्या इनपुट निकल के आने वाला है, क्योंकि टाइम इज अ मनी। सारे बिजनेसमैन के लिए टाइम इज अ मनी, और नॉट इवन बिजनेसमैन, हर किसी के लिए टाइम पैसा है। आप टाइम वेस्ट आज करोगे तो कल को आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो यही है कि आप अगर कहीं होटल्स में भी जा रहे हैं या क्या आप वेडिंग्स भी अपनी करा रहे हो, घर अपने घर में करा रहे हो, तो आप उस चीज के बारे में पहले पूरा जान लो, क्योंकि वेडिंग एक बार का इवेंट है, हर बार नहीं आएगा, ठीक है? कोई भी इवेंट है एक बार होता है, हर बार नहीं आता। आज आप की शादी है, आप 10 बार तो नहीं करोगे ना, आप वेडिंग एनिवर्सरी करोगे, आप शादी तो नहीं करोगे पूरी, ठीक है? तो कोई भी चीज है तो उसके बारे में पूरी नॉलेज ले लीजिए, फिर अपना पैसा डालिए, चाहे भले आप होटल में डालिए, आप वेडिंग प्लानर्स पे डालिए, आप हम पे डालिए, चाहे आप किसी के ऊपर भी पैसा खर्च करें, बस। बिल्कुल सही बात है सर। शादी एक ही बार हो सकती है, वरना आपके ऊपर केस हो जाएंगे शादी के चक्कर में। सो इट्स जस्ट जी फॉर एंजॉयमेंट जोक, डोंट टेक इट एनी मोर सीरियस। सो अभी जी आपने मैसेज काफी अच्छा दिया है, एंड ये मुझे काफी अच्छी आपकी लास्ट की लाइन लगी कि चाहे आप हमें दीजिए या किसी को भी दीजिए, बट देख के दीजिए। दैट्स रियली नाइस, आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका जो सेंस ऑफ बिजनेस है वो काफी अच्छा है। तो रियली अप्रिशिएटेड ऑफ दैट, एंड मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने आपकी कंपनी के दोनों पार्टनर्स का इंटरव्यू किया है अपने चैनल पे। एंड वी रियली अप्रिशिएट कि फ्यूचर में कभी भी जब भी आपको लगे कि यू वांट एनी टाइप ऑफ प्रमोशंस फ्रॉम आवर साइड, वी विल डेफिनेटली देयर फॉर यू ऑलवेज विदाउट एनी इशू। थैंक यू आदित्य जी। चलिए मैं थोड़ा और बताना चाहूंगा अपने बारे में कि हमारी जो इवेंट इवेंट कंपनी है, बेसिकली हम लोग वेडिंग्स तो कर ही रहे हैं, वेडिंग्स के साथ हमारे कॉर्पोरेट सोशल एग्जीबिशन सब है। तो आप में से किसी को भी कोई भी नीड हो, इन इनफैक्ट अगर आपको अपना इवेंट खुद कराना है और हमसे आइडिया लेना है, तब भी आप हमारे पास आ सकते हो। हम अपना आइडिया या मैनेजमेंट टीम लेनी हो तो आप हमारे पास आ सकते हो, वी आर ओपन। हमारा ऑफिस DLF माईपैड में है, तो आप हमारे तक कभी भी रीच आउट कर सकते हो। डेफिनेटली दैट्स रियली ग्रेट, एंड एज पर आई कमिटेड कि मैं आपका पूरा डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और साथ ही साथ आपका एड्रेस, आपके नंबर्स, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स, आपकी वेबसाइट, जैसे कि आपकी वेबसाइट भी मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, सो इट्स नॉट दैट थैंक नीडेड यू। कि हम अभी प्रेजेंट करें। सुना कि जिस लोगों की सोच इतनी अच्छी है, सो बेसिकली मेरा भी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है आप सभी से कि अगर आपको कोई भी रिक्वायरमेंट है ऐसी, एक बार जरूर मौका दे, क्योंकि जिनकी सोच अच्छी होती है उनके काम में भी दम होता है। अगर एक सामने वाले की सोच ही अच्छी नहीं होती है, तो फिर उसके काम में भी दम नहीं होता। यहाँ पे किसी भी तरह का इन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ आप हम ही से करें, इन्होंने सिंपल बोला कि अगर आपको करना है तो आप कहीं भी करें, बट वाइजली करें। सो ये काफी एक अच्छा डिफरेंशिएटिव है, और ये इनकी USP कह सकता हूँ है। सो जस्ट फोकस ऑन दैट थिंग वर्ड्स, एंड आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है आप सभी सपोर्ट करें। यंग जनरेशन को सपोर्ट करने से ही भारत आगे बढ़ेगा। जो मेरा सपना है विश्व गुरु का वापस बनाना, वो भी ऐसे ही पूरा हो सकता है जब हमारे जैसे नए क्रिएटिव लोग आगे बढ़ेंगे। तो जस्ट फोकस ऑन द सेम वे, एंड मुझे बहुत खुशी है वंस अगेन कि आप मेरे चैनल पे आए, एंड वी थैंक यू। रियली थैंक्स टू यू, और आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर। जय श्री राधे थैंक यू कृष्ण, सो मच। यस वेलकम। थैंक यू।